मेडिटेशन और ध्यान की इम्पोर्टेंस पूरे वर्ल्ड में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुकी है। मेडिटेशन ह्यूमन हेल्थ के लिए दोस्तों वास्तव में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टेक्निक है, पर मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स और मेडिटेशन की बहुत सारी विधियाएं बताई जाती हैं जिनमें हम कंफ्यूज और स्टक होकर रह जाते हैं कि कौन सी मेडिटेशन की टेक्निक प्रैक्टिस करें और कौन सी ना करें। दोस्तों मेडिटेशन कितना पावरफुल हो सकता है इस बात का अंदाज़ा हम इस छोटे से एग्जाम्पल से लगा सकते हैं। जिस प्रकार एक रोगी को अगर किसी डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है और उस रोगी या पेशेंट को उस डॉक्टर पे ट्रीटमेंट पे अगर सिंगल परसेंट भी ट्रस्ट नहीं है तो वो रोगी कितनी भी अच्छी दवाई देने पर मेडिकेशन करने पर भी ठीक नहीं होगा। और इसका जस्ट ठीक उल्टा, अगर रोगी को किसी झोला छाप डॉक्टर से भी दवाई मिल जाती है और वो उस पर ट्रस्ट करता है तो यकीन मानिए दोस्तों वो केवल माइंडफुलनेस से और ट्रस्ट से ठीक हो जाता है। मेडिकल साइंस में और वैज्ञानिक इसे प्लेसेबो इफेक्ट भी कहते हैं। यह वास्तव में पाया जाता है जहां पर बीमारियों को ठीक करने में आपके माइंड का रोल होता है। दोस्तों मेडिटेशन भी माइंडफुलनेस ही है। आज की वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे ब्रीदिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन की इस टेक्निक को हम साथ साथ वीडियो के अंत में मिलकर एक बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से पहले एक बार जान लेते हैं मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस। आखिर मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ह्यूमन लाइफ में? दोस्तों मेडिटेशन में किसी भी बीमारी को हील करने की पावर होती है। मेडिटेशन किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज जितना ही इम्पोर्टेंट है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेडिटेशन भी एक माइंड की एक्सरसाइज है, बस जिसमें आप सिंपली बैठ के अपने माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करते हो। माइंड को कंसंट्रेट करने की टेक्निक्स और विधियाँ अलग अलग हो सकती हैं, पर दोस्तों ये जितना इजी दिखाई देता है उतना इजी कई बार नहीं होता। हमारा माइंड हमारे वश से बाहर है। हमारे माइंड में एक सेकंड में पता नहीं कितनी सारी थॉट्स आती हैं और बदलती रहती हैं। हमारा मूड हर मिनट हर सेकंड चेंज होता रहता है। ये सब माइंड की ही पावर है। इस माइंड को एक जगह पर फोकस करना ईजी नहीं है। मेडिटेशन इसे फोकस करने की ही कला है। एफर्ट्स तो हमें हर काम में लगानी होती हैं। मेडिटेशन करने के लिए भी हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना होता है, पर मेडिटेशन इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम अपने घरों में किसी ना किसी फॉर्म में मेडिटेशन यूज कर चुके हैं। दोस्तों घर पर होने वाली रोज पूजा प्रेयर और नवाज के दौरान हम मेडिटेशन ही करते हैं। ये एक्चुअली एक किस्म का मेडिटेशन ही है। इस दौरान हम एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और ये मेडिटेशन ही है। दोस्तों मेडिटेशन केवल स्पिरिचुअलिटी तक ही सीमित नहीं है। मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी बॉडी के क्रॉनिक डिजीजेस, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी और बहुत सारे बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि माइंडफुलनेस के द्वारा आप बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो इट इज़ मोर देन इम्पोर्टेंट अ फिजिकल एक्सरसाइज, एज इट हेल्प इन ऑल मेंटल एंड सिस्टमिक एलिमेंट्स। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की ये स्पेसिफिक टेक्निक। आप किसी भी पोस्चर में बैठ जाएंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं आप उस पोस्चर में बैठ जाएं। इसके बाद हम एक गहरी लंबी सांस भर लेंगे। गहरी लंबी सांस भर के बाद आपको अपनी सांस को लगभग 10 सेकंड तक रोके रखना है और 10 से 1 तक काउंटडाउन करना है। तो लेट्स स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now open your eyes slowly and slowly. आंखें खोलने के बाद आप एक बार फिर से यही टेक्निक दोबारा रिपीट कर सकते हो। इस स्पेसिफिक मेडिटेशन टेक्निक का आप इफेक्ट इमिडिएटली ऑब्जर्व कर सकते हो। दोस्तों आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेडिटेशन की इस टेक्निक के दौरान
क्या आपके माइंड में इधर उधर की कोई भी बात आई थी? आई थिंक नो। यही इस मेडिटेशन की पावर है।